Hi everyone, let's come to question number 37, house property ka question hai. And the students who are watching this video for the first time, please refer the description and download the question files. वहाँ पर आपको सारे questions मिल जाएंगे, आप वहाँ से questions करना शुरू कर सकते हैं. Question number 37 says, Mr. Rishabh owns a commercial building whose construction got completed in June 2017. यानी कि June 2017 में ये building existence में आ गई थी. अगर इसकी house property की income निकालनी होगी, तो 2017-18 से शुरू हो गई थी. खैर हम लोगों को 18-19 के लिए ही questions पूछा जाएगा. For May 19 and November 19 examinations. He took a loan of 15 lakh from his friend on 1-8-2016. And has been paying interest calculated at 15% per annum. इन्होंने एक लोन भी लिया गया था, यानी कि कंस्ट्रक्शन से पहले लोन भी लिया गया था, तो शायद प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की भी यहाँ पर बातें होगी. He is eligible for pre-construction interest as deduction as per the provision of Income Tax Act 1961. इन्होंने बोल भी दिया है, वैसे नहीं भी बोलते तो हम लोग इनका pre-construction period का भी interest निकालते. Pre-construction period का interest कब से होता है? जिस दिन से लोन लिया है उस दिन से शुरू करेंगे, और जिस ईयर कंप्लीट हुआ है घर उस ईयर को छोड़ दीजिए उससे पहले की 31 मार्च तक. यानी कि यहाँ पर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आएगा फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, दैट इज 1-8-2016 से लेकर घर कंप्लीट हुआ है 17-18 में, जून 17-18 से को छोड़ दीजिए. उससे पहले जो डेट थी वो थी 31 मार्च. दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जिस साल घर कंप्लीट होता है उस पीरियड को, उस साल को कभी भी प्री कंस्ट्रक्शन का हिस्सा नहीं बनाते. तो 17-18 में, 17-18 शुरू होता है 1 अप्रैल 17 से. 1 अप्रैल 17 प्री कंस्ट्रक्शन में नहीं जाएगा. उससे पहले जो 31 मार्च आती है, दैट वॉज 31 मार्च 17 तक ही प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड रहेगा. तो हेयर द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम 1-8-16 एंड इट विल एंड ऑन 31 मार्च 17. तो आप 15 लाख के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% और इस पीरियड का निकाल लीजिएगा, उसको 1/5 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी डिडक्शन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स में मिलती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट इन विच द हाउस वॉज कंप्लीटेड. तो 17-18 में इनको डिडक्शन मिली होगी, अब 18-19 में दोबारा से मिलेगी, बिकॉज दिस इज द सेकेंड ईयर. मिस्टर ऋषभ हैज लेट आउट द कमर्शियल बिल्डिंग एट अ मंथली रेंट ऑफ 40,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19. He has paid municipal taxes of 18,000 each for the financial year 17-18 and 18-19 on 1-5-18 and 5-4-2019. Compute income under the house property. Easy question है, आप अच्छे से कर सकते हैं, आप presentation देख सकते हैं इसकी. यहाँ पर आपको house property की income निकालनी है, जिसकी presentation आप देख सकते हैं. सबसे पहले निकालते हैं gross annual value GAV. GAV होती है expected rent और actual rent, whichever is higher. एक्सपेक्टेड रेंट की यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना तो आपको म्यूनिसिपल वैल्यू दी हुई, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, ऐसी कुछ बातें नहीं है. तो एक्चुअल रेंट ही जेवी बन जाएगा. तो 40,000 पर मंथ का रेंट आता है, 40,000 × 12, दैट मेक्स 4,80,000 वुड बिकम जेवी. उसमें से माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर. तो चाहे वो किसी भी ईयर को रिलेट करते हो, बट जो एक्चुअली ड्यूरिंग द ईयर 18-19 पे हुए हैं, तो हमने लास्ट ईयर के 18,000 रुपये पे करे हैं इस साल, तो उस 18,000 की डिडक्शन मिल पाएगी. इस साल के 18,000 रुपये हमने ड्यूरिंग दिस ईयर पे नहीं करे हैं, उसकी डिडक्शन नहीं मिल पाएगी. आगे आई एम अगेन रिपीटिंग, म्यूनिसिपल टैक्सेस अलाउड होते हैं ओनली ऑन कैश बेसिस, तो आप सिर्फ 18,000 ही अलाउ कर पाएंगे. इस तरीके से आपका NAV आ जाएगा. NAV में से डिडक्शन देते हैं अंडर सेक्शन 24. फर्स्ट डिडक्शन इज 24A, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और यू कैन ऑल्सो से स्टैचुटरी डिडक्शन, जो कि होती है 30% ऑफ NAV. तो NAV का 30%, दैट कम्स टू 138,600 की डिडक्शन मिल जाएगी. दूसरी डिडक्शन होगी इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग की, अगर इन्होंने परचेज या कंस्ट्रक्शन के ऊपर लोन लिया हुआ है तो डिडक्शन मिल जाएगी, जो कि है, जो कि करंट ईयर का आएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है कि कुछ रीपे हुआ है, तो वी विल एज्यूम कि 15 लाख पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है. तो करंट ईयर का इंटरेस्ट आएगा 15 लाख × 15%, दैट मेक्स 2,25,000, और प्लस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड भी था, विच हैज स्टार्टेड फ्रॉम 1-8-2016 टू 31 मार्च 17. आप इतने पीरियड का, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकालेंगे, उसको 1/5 से डिवाइड करेंगे, और 1/5 से सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, और आपके पास इंटरेस्ट आएगा 30,000. तो दिस विल मेक 2,55,000 एज इंटरेस्ट. ये डिडक्शन आप देंगे अंडर सेक्शन 24B, और इस तरीके से आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आती है 68,400. आई होप आप ये क्वेश्चन जल्दी से कर लेंगे. थैंक यू सो मच.